कर जाएंगे, फाइन। तो जो भी आपने बोली, आपने बोला है क्विज, क्विज मैनेजमेंट है ना, क्विज सिस्टम बोला है आप। हाँ जी, वेरी सिंपल, वेरी इजी, आई विल गिव यू द लॉजिक। गुड, एनी अदर स्टूडेंट जो कोई अपना प्रोजेक्ट शेयर करना चाहता है कि ये चीज हम बनाना चाहते हैं? मिंकल, राजविंदर, आर यू देयर? यस, नो, नो स्पेसिफिक। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का सेशन फिर से। लेट स्टार्ट। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। यस, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू पीपल। और कल हम लोग जो हैं स्टार्टिंग जो है अपने प्रोजेक्ट का कर लिया था, जो SMS यानी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम क्रिएट कर रहे थे, कल उसका हमने स्टार्ट कर लिया था। और मैं आपको उसका थोड़ा लेआउट भी दिखा दूं कैसा था वो। लोकल होस्ट में जा करके /workshop/SMS, got it? तो ये हमने डिजाइन किया था और ये रिस्पॉन्सिव है। देखिए डिजाइन रिस्पॉन्सिव मीन्स आप अपने मोबाइल के ऊपर भी इसको चलाएंगे तो इट विल वर्क प्रॉपरली। क्लियर? मोबाइल के ऊपर भी ये चलेगा और अगर आप इसको टैब के ऊपर चलाएंगे तो इसका लुक कुछ इस टाइप का आएगा, टैब के ऊपर, और स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर चलाएंगे तो इस टाइप का आएगा। तो स्टूडेंट्स कीप दिस थिंग इन माइंड। हम लोग जो इसका फर्स्ट लेक्चर है वो कल कंप्लीट कर चुके हैं और उसका जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो मैं अपलोड कर चुका हूं। इसका लिंक मैंने ग्रुप में आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। इफ यू वांट यू कैन वॉच, वो आप जो लिंक है उसको ओपन करके देखिएगा। अगर नेक्स्ट सर, हाँ जी सर, वो हाइपर लिंक नहीं है, वो नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा है। आई विल सेंड यू द पिक्चर। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं उसको, मेरी बात भी हुई थी, मैं आपको ना दोबारा उसका लिंक सेंड कर दूंगा। लेकिन मैंने अभी मॉर्निंग में दूसरे मोबाइल से या टैब से चला के देखा था, इट वॉज वर्किंग। तो नो प्रॉब्लम, फिर भी कोई बात नहीं है, मैं फिर इसको दोबारा आपको सेंड करूंगा। गॉट इट? डोंट वरी, आज ही हो जाएगा वो, आज ही हो जाएगा, ठीक है? दोनों, ये भी वीडियो और वो भी, दोनों चल रहे होंगे। गॉट इट? और जो स्टूडेंट्स ने आज, न्यू स्टूडेंट्स भी अगर आज कोई ज्वाइन करते हैं तो वो भी वहां पर आज देख सकते हैं लिंक को। कल हमने सिर्फ सेटअप लगाया था, हमने जो वेबसाइट बनाने के लिए या ऐप बनाने के लिए, इसको हम लोग ऐप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो ये हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आई विल टेल यू कैसे हम लोग इसको ऐप में भी कन्वर्ट करेंगे, फाइन। लेकिन आज हमारे कुछ काम है जिनको हमने फिनिश करना है। तो सबसे पहला जो आज का ऑपरेशन रहेगा, जस्ट ए मिनट, मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है, जो क्या आज का टास्क रहेगा जो हमने आज कंप्लीट करना है। डे टू में हमने, हमारा जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर आज काम कर रहे हैं हम लोग। और उसमें हम लोगों ने आज डे टू में जो प्लान किया था वो किया था डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ द प्रोजेक्ट विद बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के साथ इसकी क्लासेस को यूज करके फर्स्ट पेज क्रिएट करना है और ये आज हम लोग स्टूडेंट्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए, पहले तो हम लोगों को डेटाबेस बनाना होता है, लेकिन मैं यहाँ पर आज डेटाबेस के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूं। मैं आज सिंपली इसका इंटरफेस ये बनाऊंगा और थोड़ा सा जो इंटरफेस आपको ऊपर नजर भी आ रहा है इसको चेंज कर देंगे हम आज। गॉट इट? सो लेट स्टार्ट। देखिए, ऑलरेडी हम ये काम कर चुके हैं। index.php नाम की फाइल हमने बनाई थी, आपको शायद याद हो। ये देखिए, एक ही फाइल अभी तक बनाई है हमने, index.php। और इसमें नैव बार मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि नैव बार कैसे इंट्रोड्यूस करना है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। जिन लोगों को, जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता तो वो बेटा हमारा जो ट्यूटोरियल है पहले वाला वो देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से, फाइन। और आज देखिए, सबसे पहले ये जो आपको लिंक्स के ऊपर सब कुछ नजर आ रहा है ना, ये सब चीजें, होम, लिंक, डाउन, ड्रॉप डाउन, इन सबको राइट हैंड साइड पर होना चाहिए सबसे पहले इस नेव बार। तो राइट साइड पर ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, कोड में ओपन करके ध्यान से देखिए, यहां पर ये नेविगेशन बार, नेव बार आई हुई है आपकी, ये वाली नेव बार, दिस वन। इसमें आप नीचे जाइए, यहां पर यूआई टैग ये लगा हुआ है, ओके, ये वाला टैग।
अनसॉर्टेड लिस्ट वाला यूआई टैग जो लगा हुआ है यहाँ पर, ये जो एम ई है ना, आप यहाँ एम ई की बजाय एम एस लिख दीजिए. एम एस स्टैंड फॉर स्टार्ट मार्जिन स्टार्ट. तो स्टार्टिंग से हम मार्जिन लेंगे, बस इतना काम करना है आपने. एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं. देखिए आ गया बेटा राइट हैंड साइड पर, देखिए ये सारा क्लियर. अब ये सर्च बटन और ये जो इनपुट बॉक्स है फॉर द टाइम बीइंग मुझे नहीं चाहिए. ये जो सर्च बटन आपको दिखाई दे रहा है मुझे नहीं चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, तो मैं इसको भी यहां से रिमूव कर रहा हूं. तो ड्रॉप डाउन नीचे जाइए आप, देखिए ये देखिए फॉर्म के अंदर ये जो दो कंट्रोल लिखे हुए हैं दोनों मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इनको डिलीट कर रहा हूं यहां से. फाइन, डिलीट करके साथ में ही सेव कर दिया मैंने इसको. एंड यू विल सी हियर ये दोनों बटन्स भी यहां से जा चुके हैं. अब मेरी नेविगेशन बार प्रॉपर जैसी बननी चाहिए वैसा कुछ बन रहा है यहां स्क्रीन पर. फाइन, अब उसके बाद ये जो डिसेबल्ड है मुझे राइट हैंड साइड से कुछ मार्जिन चाहिए यहां से. आप याद रखिएगा कि बूटस्ट्रैप में कुछ क्लासेस बनी बनाई क्लासेस होती हैं, वही क्लासेस हम लोग यूज कर रहे हैं यहां पर. जो नेव बार स्टार्टिंग में आया था जहां पर आपने मार्जिन एमएस लिख दिया था, ये वाला यहां पर थोड़ा सा काम हम और करेंगे. यहां पर एम एक्स, एम एक्स मतलब मार्जिन एक्स हॉरिजॉन्टली हाइफन, मुझे चाहिए कितना चाहिए मुझे, मुझे अगर 2 pixels का चाहिए तो आई विल राइट हियर LG2, दैट्स इट. रिफ्रेश करते हैं इसको. तो इस टाइप का बिल्कुल बहुत ज्यादा ये हो गया है, हम लोग इसको अभी रहने देते हैं, मार्जिन को नहीं यूज करते. फाइन, तो हम वैसे रहने देते हैं. ये देखिए बेटा, ओके. अब हम लिंक्स अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं. जो होम लिंक है वो तो रहेगा, सेकेंड लिंक है हम लोग चाहते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन अपलोड करना. ओके, तो आप देखिए ध्यान से यहां पर लिखा है लिंक. ये देखिए ये लिंक लिखा हुआ है, दिस वन. मैं स्टूडेंट्स इसी को कॉपी करता हूं. एंड देन हियर आई एम गोइंग टू पेस्ट, मैं यही कोड यहां पर पेस्ट करता हूं. ओके, और ये लिंक की बजाय यहां लिखते हैं अपलोड इन्फो. ओके, और जो नीचे वाला है वहां पर लिखते हैं स्टूडेंट्स डिटेल्स. तो ये टू लिंक्स वी हैव क्रिएटेड हियर. देखिए आप, होम में हमारा जो होम मेन पेज रहेगा वो आएगा यहां पर, अपलोड इन्फो और स्टूडेंट्स डिटेल्स ये हम अलग से एक पेज बनाएंगे, उसमें हम लोग डेटा अपना ट्रांसफर करेंगे. गॉट इट? तो मैं इसको भी यहां पर जस्ट ए मिनट, या तो ये हमारी टैब जो है वो बन चुकी हैं. गॉट इट? और आज हम लोग जो काम करने जा रहे हैं ये अपलोड इन्फॉर्मेशन, जो स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है उसके ऊपर कर रहे हैं. और ये जो नैव बार है इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं. इसका नाम हमारा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, तो हम SMS लगा देते हैं हम लोग. उसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट सबसे पहले देखिए ये बूटस्ट्रैप वाले पेज पे जाते हैं हम लोग. गॉट इट? और बूटस्ट्रैप में कॉम्पोनेंट्स पे गए. कॉम्पोनेंट में यू हैव बैजेस, देखिए बैज लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर, इसको क्लिक कीजिए. तो बेटा जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये बैज आपके सामने खुल जाएंगे इस तरह से. क्लियर? तो इनमें से कोई एक बैज हम लोग पिक करेंगे. फाइन, कोई एक बैज हम लोग पिक करेंगे. जैसे मैं यहां से पिक कर रहा हूं डेंजर, ये वाला बैज, दिस वन. कंट्रोल सी, कॉपी किया इसको हमने. फाइन, और इसको बेटा वापस अपने पेज पर जा करके यहां पर देखिए नेव बार लिखा हुआ है. यहां पर नेव बार लिखा है, ये वाला. यहां पर बेटा इसको हम पेस्ट करेंगे. ओके, और पेस्ट करने के बाद यहां पर जो बीच में डेंजर लिखा है ना, यहां लिखेंगे हम लोग, क्योंकि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो SMS हम इसको SMS सिस्टम ऐसा करके कुछ बना देते हैं यहां पर. फाइन, अब चेक करते हैं क्या नजर आता है स्क्रीन पर हमें. तो देखिए SMS सिस्टम इस टाइप का कुछ हमें नजर आ रहा है. गॉट इट? ये हमने लोगो लगाना है वैसे यहां पर. हम लोग कोई इमेज वगैरह जो लोगो बना करके अपनी ऐप का या आपने जो वेब पेज है उसका लोगो बनाना चाहते हैं तो वो लोगो यहां पर आप क्रिएट कर सकते हो. गॉट इट? फाइन,
तो वही लोगो हम लोग यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। आपने इमेज लगाना है तो आप इमेज लगा सकते हो। साथ में बेटा यहीं पर एक और क्लास हम लोग लगाने वाले हैं, देखिए ध्यान से स्पैन टैग में ही यहां जो क्लास लगी हुई है यहां पर P-3, ये पैडिंग के लिए होती क्लास। पैडिंग कर रहे हैं मतलब एक्स्ट्रा स्पेस इसके आसपास हम लोग रखना चाहते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा हो गया ये अब इस तरह से, गॉट इट। अब स्टूडेंट्स हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं ये अपलोड इन्फो वाला जो पेज है हमारा। देखिए इस तरह से आपको अपनी स्क्रीन मोबाइल पर नजर आएगी, इस तरह से ये वर्क करेगा, फाइन। और हम लोग अभी जो काम करने जा रहे हैं ये अपलोड वाला जो पेज है इसके ऊपर, देखिए अभी लिंक ये चल नहीं रहा है, गॉट इट। अब मैं इसी नैव बार को कॉमन करने जा रहा हूं ताकि आप कहीं पर भी फ्यूचर में काम करेंगे तो बड़ी आसानी से इस फाइल को आप इंक्लूड कीजिए, इट विल वर्क। ओके, कॉमन हो जाएगा जब मैं पेज बनाएंगे तो आसानी रहेगी आपको। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जस्ट हैव ए लुक। यहां सर जा करके ये जो डॉक टाइप है ये वाला पोर्शन आपको कट करना है, यहां से कट, और स्टूडेंट एक नया पेज क्रिएट करके वहां पर इसको पेस्ट कर देना और इसको सेव कर देना है। हमने कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करेंगे इसको हम लोग, और सेव हम करेंगे एक्स्ट्रास में, ये जो एक्स्ट्रा फोल्डर बनाया था ना यहां पर, और नाम देंगे header.php, दैट्स इट। तो header.php एक्स्ट्रा में हमारा पड़ा हुआ है, ये याद रखना आपको बेटा। अब वापस अपने इंडेक्स वाले पेज पे जाके सेव करते हैं कंट्रोल एस, और इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट किया, देखिए कुछ भी नहीं आया, सब कुछ गड़बड़ा गया यहाँ पर। उसका रीजन ये है कि वो हम लोग जो कोड था स्टार्टिंग वाला ये बना रहा था उसका CSS, उसका बूटस्ट्रैप सब कुछ हम यहाँ से ले जा चुके हैं एक्स्ट्रास के अंदर। तो कोई बात नहीं, इसको अभी चलाएंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे PHP और PHP के अंदर यहाँ पर कोड लिखेंगे इंक्लूड उसी फाइल का नाम, उसका पाथ आपको यहाँ देना है, उसका पाथ का नाम था जी extra/header.php। तो ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो इंटेलिजेंट इतना है कि अपने आप जितनी फाइल्स उसके अंदर होंगी वो आपको दिखा देगा। देखिए हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया इसको, इतने कोड को। नाउ इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए बेटा वापस आपका ये कोड आपके पास आ चुका है। अब फ्यूचर में देखिए आप जितने भी पेजेस क्रिएट करेंगे, जितने भी पेजेस आप क्रिएट करेंगे उन सब पेजेस में आपको ओनली यही पार्ट इंक्लूड करना है, कॉपी पेस्ट करना है, एंड इट विल वर्क फाइन। ये वैसे का वैसे ही काम करेगा। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सबको। अब ये जो नैव बार है ये वाला पोर्शन, ये भी कॉमन है सब में, जो बार बार आएगा बॉडी में, तो क्यों ना इसको भी हम लोग यहां से पिक करते हैं। कट किया, एक और पेज बनाया हमने, और इसको भी यहां पर सेव करके एक्स्ट्रा में ही इसको सेव करेंगे, और यहां पर इसका नाम दे देते हैं navigation.php। तो ये दोनों फाइल्स हमारी बन चुकी हैं। अभी भी आप इसको चलाएंगे देखिए नेविगेशन बार यहां से जा चुकी होगी, मेरे ख्याल से मैंने सेव नहीं किया उसको। हाँ ये देखिए मैं इसको सेव कर रहा हूं, अभी रन करेंगे तो ये सब कुछ जा चुका है यहां से। लेकिन फिर से यहां पर चलाने के लिए बॉडी में टॉप पर, बॉडी के इमीडिएटली नीचे फिर से पीएचपी का कोड, और यहां पर लिखेंगे इंक्लूड डबल कोट्स में हम लिखेंगे एक्स्ट्रा, उसके अंदर है navigation.php। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा पेज बन चुका है। अब हमें बार बार कहीं और काम करने की जरूरत नहीं है, जब भी हमने लिंक इंसर्ट करने हैं ओनली विल मूव टू दिस नेविगेशन, ये जो पेज बनाया था इसमें जा करके यहां पर इसके लिंक का पाथ सेट कर देंगे एंड ऑटोमेटिकली सब में ये काम करेगा, गॉट इट। और मैं इसी फाइल को, इसी पेज को मैं एक टेम्पलेट बना लेता हूं जस्ट कॉपी करके, और यहीं पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, और इसका नाम मैं रख लेता हूं टेम्पलेट, template.php। तो ये टेम्पलेट हमारा बन गया, अभी इसके ऊपर कोई जरूरत नहीं मुझे कोई काम करने की, नेविगेशन के लिए भी कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। मुझे अपना कोड अब आज के बाद जो भी लिखना है वो यहाँ पर लिखना है। तो देखिए आप लोगों की कोडिंग कितनी इजीली और कितनी जल्दी भी हो रही है यहाँ पर।
क्योंकि हमने एक बार अगर ये टेम्पलेट बना लिया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टेम्पलेट पेज, एक बार हम टेम्पलेट अगर बना लेते हैं तो बार बार हमें इसकी कोडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो नेविगेशन वाला पेज है, मुझे बार बार इसकी कोडिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इट विल वर्क प्रॉपरली, वैसे ही काम करेगा ये। गॉट इट? सो लेट स्टार्ट। अभी हम लोग करने जा रहे हैं कि हमें करना क्या होगा, अभी स्टूडेंट अपलोड इन्फॉर्मेशन वाला जो है पेज बनाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी इंडेक्स चल रहा है, मैं यहाँ पर अपलोड वाला पेज बनाता हूँ। उसके लिए करना क्या होगा आपको, जस्ट क्रिएट न्यू पेज येरा, और इसको हम सेव कर लेते हैं कुछ भी टाइप करके, इसको पहले सेव कर लेते हैं हम लोग। और उसी पेज में जा करके यहां पर मैं सेव कर रहा हूं अपलोड अंडरस्कोर इन्फो डॉट पी एच पी। ओके, अपलोड अंडरस्कोर इन्फो डॉट पी एच पी। और अब जो टेम्पलेट वाला पेज जो हमारा था, ये वाला पेज, इसके ऊपर जो भी कुछ है आप इसके ऊपर कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, और इसको बंद कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है हमें। यहां पर जा करके पेस्ट कीजिए। गॉट इट? तो अपलोड अंडरस्कोर इन्फो वाला पेज हमारा बन चुका है, ये देखिए। लेकिन बेटा अभी अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी नहीं की है। यहाँ पर देखिए, इसमें अपलोड इन्फो वाला पेज नहीं आया, मैं इसको क्लिक भी कर रहा हूँ, नहीं आया। तो कैसे आपको जोड़ना है उसके लिए, लेट्स मूव। आपको याद होगा एक्स्ट्राज में गए थे, नेविगेशन में गए थे यहाँ पर, और यहां पर जा करके जो अपलोड इन्फो वाला आपने लिंक क्रिएट किया था, ये वाला हैश सिंबल को हटा करके इसके साथ यहां पर लिखते हैं अपलोड अपलोड अंडरस्कोर इन्फो डॉट पी एच पी। अंडरस्टूड? अपलोड अंडरस्कोर इन्फो डॉट पी एच पी। तो कितना इजी हो गया, जस्ट वन टाइम आपको ये कॉपी पेस्ट करना था, रिफ्रेश इट, एंड ये देखिए अपलोड वाला पेज आ गया। पेज सेम है अभी, लेकिन ये जो ऊपर मैं नेव बार नेविगेशन बार आ रही है, सब में कॉमन आ गई है। होम पर जाएंगे तो होम पर भी इसको चलाते हैं, अभी ये होम वाला जो लिंक है इसको भी चला देते हैं हम लोग। इसके लिए फिर से नेविगेशन बार में वापस जाते हैं हम लोग। अंडरस्टूड? और यहाँ पर ये जो आपने एसएमएस सिस्टम लिखा था ना, जहां पर ये जो एसएमएस सिस्टम रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले इसकी कोडिंग हम लोग करते हैं। इसकी कोडिंग करने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर जस्ट यू हैव टू राइट इंडेक्स डॉट पी एच फाइन। ये कहां पर लिखा है आपने, ये ध्यान से देखिए आप, जो आपका एसएमएस वाला लिंक बना था ना, जो बैच लगाया था हमने, बैच राउंड क्लास लगाई थी, एसएमएस सिस्टम जहां लिखा था, यहां पर स्टूडेंट्स ये जो इसका हैश पार्ट है, यहां पर आपको बेटा ये मेंशन करना होगा। इसी तरह से यही वाला जो लिंक है, आपको नीचे जाकर के आपका जो होम वाला पेज है वहां पर भी इसको पेस्ट करना होगा। गॉट इट? नाउ यू कैन सी ये दोनों लिंक काम करेंगे। अभी अपलोड वाले पेज पे हैं, देखिए सिस्टम वापस चले गए हम लोग मेन पेज पर, और ये वापस अपलोड वाले पेज पर आ गए। मैं इसको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको और करके दिखाता हूँ इसको, इसका काम। इंडेक्स में जा करके मैं यहाँ पर बॉडी टैग में H1 टैग लगा रहा हूँ, ताकि इससे आपको आइडिया रहेगा। होम पेज, ये आ गया होम पेज हमारा, H1 टैग इसके ऊपर लिख देते हैं फाइन, और कॉपी करके ये जो हमारा अपलोड इन्फॉर्मेशन वाला पेज है उसके ऊपर भी ऐसा ही मेंशन कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं अपलोड इन्फॉर्मेशन पेज, अपलोड इन्फॉर्मेशन। अब इसको देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए होम पेज आ गया। अब मैं अपलोड वाले पेज पे जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, देखिए हम लोग अपलोड इन्फॉर्मेशन पेज पे आ चुके। तो इसका मतलब ये नेविगेशन बार्स आपकी काम कर रही हैं। अब स्टूडेंट डिटेल्स वाला भी पेज अभी बना लेते हैं, काफी इजी रहेगा हमारे लिए काम करना आगे जाकर। करना कुछ नहीं है बच्चे, आपको सिंपली यही कोड कॉपी किया, नया पेज बनाया यहाँ पर, यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको और सेव करके इसका नाम दे देंगे, जस्ट अ मिनट, अब की बार नाम था जी स्टूडेंट्स डिटेल्स। तो यहाँ पर लिखते हैं students_details.php फाइन, इसको भी सेव कर देते हैं हम लोग, और यहां पर लिख देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स, इस पेज का नाम स्टूडेंट डिटेल्स। फाइन, तो देखिए हमारे सारे पेज अभी काम कर रहे हैं। ये होम पेज है हमारा, ये अपलोड इन्फॉर्मेशन वाला पेज है, ये स्टूडेंट डिटेल्स वाला पेज, ये नहीं चला क्योंकि टेक्स्ट मुझे लग रहा है कि मैंने चेंज नहीं किया।
स्टूडेंट्स अंडरस्कोर डिटेल, ओके हमने नेविगेशन बार में इसको चेंज नहीं किया, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर डिटेल्स इसका नाम है। नेविगेशन बार में जा करके यहाँ पर ये जो हैश है ना इसके साथ लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट पीएचपी, तो इसको भी सिंगल टाइम आपने लिखना है। देखिए हमने सारे कोडिंग इसकी कर ली है, नाउ आई एम क्लिकिंग, ये रहा स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन डिटेल्स डिटेल्स, ये अपलोड वाला पेज है, ये होम पेज है। यहां तक स्टूडेंट्स किसी को अगर कोई डाउट है तो यू मे आस्क मी, स्टूडेंट्स यस इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी, हैंड रेज कर सकते हैं आप या नीचे जो चैट बॉक्स है वहां पर मेंशन कर सकते हैं सो दैट आई कैन आंसर, किसी को भी कोई डाउट है तो यू मे आस्क मी स्टूडेंट्स। नो एवरीथिंग ओके ओके ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहां पर ये जो डिसेबल, देखिए इस लिंक में डिसेबल आया हुआ है, ये डिसेबल्ड लिंक है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसको भी रिमूव करना होगा। देखिए मैं रिमूव एक पेज में से करूंगा लेकिन ये सभी पेजेस में से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो नेविगेशन बार में जाते हैं हम लोग, यहां पर जा करके ये रहा डिसेबल्ड वाला लिंक, देखिए दिस वन, आप सिंपली इसको डिटेल डिलीट कर दीजिए। अभी रिफ्रेश करेंगे, देखिए ड्रॉपडाउन रह जाएगा एंड में हमारे पास सिंपली, बाकी कुछ किसी भी पेज के ऊपर चले जाएं कहीं पर वो डिसेबल्ड वाला लिंक नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अपना होमवर्क जो है काफी फास्ट स्पीड से हम लोग अपना जो है प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं, फाइन। तो अब हम लोग जो पेजेस जो हमने मेन पेज बनाना है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन अपलोड का, तो सबसे पहले उसी के ऊपर काम करते हैं। जो इंफॉर्मेशन मुझे शो करनी है आई एम गोइंग टू राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ये देखिए ये जो स्टूडेंट वाला पेज है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन अपलोड, बेटा ये डेटाबेस कनेक्टिविटी भी शायद हम लोग इसमें स्टार्ट करें, तो इसको काइंडली आपने ध्यान से देखना है, इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी, कोई भी पूछ सकते हैं आप, गॉट इट। तो इंफॉर्मेशन जो मुझे अपलोड करनी है स्टूडेंट की, वो सबसे पहली इंफॉर्मेशन मुझे करनी होगी नेम, देन रोल नंबर, थर्ड ईमेल, ओके फोर्थ कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, फिफ्थ मैं उसकी क्लास करूंगा, सिक्स्थ मेरे ख्याल से एड्रेस, ये इंफॉर्मेशन हम करने वाले हैं आपको, ठीक है। तो ये सिक्स टाइप की इंफॉर्मेशन मुझे अपलोड करनी है और इसी के लिए मैं अभी एक जो फॉर्म है वो क्रिएट करने वाला हूं, लेकिन आप लोग ध्यान से देखना मैं सिंपल फॉर्म नहीं क्रिएट करूंगा, मैं यहां पर विदाउट रिफ्रेशिंग, जैसा कि अभी आई थिंक साहिल ने कि निखिल ने कुछ, साहिल था स्टूडेंट यहाँ पर जिन्होंने चैट बॉक्स वाला एप्लीकेशन बोला था, तो उनकी एप्लीकेशन में भी ये चीज जो है काम में आएगी उनके, गॉट इट, क्योंकि वो बिना रिफ्रेशिंग के ही उनके मैसेजेस दूसरी तरफ जाते जाएंगे और वहां से रिसीव होते जाएंगे उनको ये मैसेजेस, ओके तो यही कोड उनका वहां पर भी प्रॉपरली यूज हो जाएगा और आप लोगों का भी कोड जो है प्रॉपरली यहाँ पर ये यूज हो जाएगा। अब कैसे करना है लेट्स सी, सबसे पहले मैं इसका इंटरफेस बना रहा हूँ। अब इसका इंटरफेस कैसे डिजाइन करना है चलिए चलते हैं आगे, और हमारा जो पेज है नेविगेशन वाला पेज मैं बंद कर रहा हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स वाला पेज बंद कर रहा हूँ, अपलोड इन्फॉर्मेशन ये वाला पेज मैं ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए ये पेज है हमारा, इसमें बेटा सबसे पहले हम लोग एक डिव लगाएंगे, डिव, ये डिव लगाया हमने, डिव टैग लगाया, और इस डिव के अंदर हम लोग क्लास असाइन करेंगे बूटस्ट्रैप की, क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, कंटेनर क्लास हम लोग अप्लाई करवाएंगे यहां पर, ठीक है अंडरस्टूड। और कंटेनर क्लास के अंदर हम लोग एक और क्लास लगा रहे हैं, याद रखना ये जो कंटेनर क्लास है बेसिकली ये वो वाली क्लास है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हमने रखने हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स रखने हैं, लेबल रखना है हमने यहाँ पर, या फिर चेक बॉक्स रखने हैं, वो सब कुछ हम लोग इसी क्लास में रखने वाले हैं, div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर इसी क्लास में रखने वाले हैं, गॉट इट। अब याद रखना कि जब भी हमारे पास कुछ कंटेनर होता है तो उसको हम इस तरह से मैनेज करते हैं, मैं आपके सामने स्क्रीन पे बना रहा हूं, जस्ट हैव अ लुक, देखिए यहां पर
ये हमारा मेन कंटेनर आ गया, फाइन। जब भी हमने कंपोनेंट्स को अरेंज करना है तो प्रॉपर हमें सीक्वेंसिंग चाहिए उनकी, प्रॉपर सीक्वेंस। तो ये हमारी मेन कंटेनर आ गया। इस कंटेनर के अंदर हम लोग इस तरह से रोज क्रिएट कर सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, लाइक दिस। और इन रोज के अंदर हम लोग कंपोनेंट्स डालने के लिए छोटे छोटे कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। भी एक कॉलम हमारा यहां पर आएगा, इसमें दूसरा एंट्री होगी, इसमें तीसरी एंट्री होगी, लाइक दिस, फाइन, लाइक दिस, दिस वन। इसी तरह से सेकेंड रो में भी हमारे पास एक ये कंटेनर आ गया, सॉरी कॉलम आ गया, दिस कॉलम, दिस वन कॉलम एंड दिस वन कॉलम। बेटा एक बात आप ध्यान रखें कि सबसे बाहर वाला जो डिव रहेगा, जो मैंने बनाया था पहले आपके लिए यहां पर, दिस वन, ये आपका हमेशा कंटेनर रहना चाहिए। इसके अंदर वाला ये वाला जो है ये आपके पास रो टाइप का डिव रहना चाहिए, रो, इसकी क्लास रो रहेगी। और इसके अंदर जो ब्लू कलर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी क्लास कॉलम क्लास रहेगी। लेकिन अभी हमारा जो डिजाइन करने वाला पार्ट है, जिसमें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जस्ट हैव अ लुक। हमारा इस तरह से स्टूडेंट्स एक फॉर्म क्रिएट होगा। इस फॉर्म के अंदर हम लोग एक रो बनाएंगे, एक एक ही रो बनाएंगे, फाइन, लाइक दिस। और उस रो के अंदर एक ही कॉलम भी बनाएंगे, ये एक कॉलम, ओके। और इस कॉलम में हमने टेक्स्ट बॉक्सेस लगाने हैं इस तरह से, देखिए, लाइक दिस, इस तरह से। ये टेक्स्ट बॉक्सेस हमने यहां पर लगाने हैं इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, ताकि आप इंफॉर्मेशन को सेव करो और उसको जहां करे एंटर करो, और जहां पर भी आप सेव करना चाहते हो उसको सेव करो। ये डिजाइन हम लोग बनाने जा रहे हैं अपने यहां पर। तो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। डिव क्लास कंटेनर दे दिया यहां पर। हाँ जी दानिश, हाँ देवाश, एनी डाउट बेटा? देवांश, नो नो सर। ओके बेटा, समझ में आ गया बच्चे ये सारा जो मैंने बना के दिखाया है आपके सामने? यस सर। ओके, आई हैव रिसीव्ड अ मैसेज इन द चैट बॉक्स, जस्ट अ मिनट, देखें। ओके ओके जी, ठीक है। तो याद रखना बेटा, जब भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आप एक बात ध्यान से सोचिए, जब भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसके लिए आपका फॉर्म जितना ज्यादा सिंपल होगा, इजी होगा फिल करने के लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए उतना ही अच्छा है। अगर आप अपने फॉर्म को कॉम्प्लेक्स करते जाओगे तो जो इंफॉर्मेशन एंटर करने वाला जो आपका क्लाइंट है वो उतना ही अनकंफर्टेबल फील करेगा इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए। गॉट इट? अब एक और बात मैं आपको बता दूं, जब आप बूटस्ट्रैप में काम करते हैं तो बूटस्ट्रैप में एट द मैक्सिमम एक रो में जो कॉलम लगा सकते हैं ना आप, बेटा 12 कॉलम आ सकते हैं मैक्सिमम, 12, ओके, इस तरह से 12 कॉलम लगा सकते हैं मैक्सिमम। अब आप अगर चाहते हैं, मैंने बताया आपको एक रो में आपके 12 कॉलम आने हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे अपनी वेबसाइट में मुझे दो कॉलम्स बनाने हैं ऑनली, तो दो कॉलम्स का मतलब ये है आप 6 कॉलम्स को इधर मर्ज कर दो और 6 कॉलम्स को इधर मर्ज कर दो, ओके, इस तरह से आपके दो कॉलम की वेबसाइट बन जाएगी, फाइन। इसी तरह से कई बार रिक्वायरमेंट ये रहती है कि मुझे 2 कॉलम्स की वेबसाइट बनानी है और एक कॉलम जो है वो छोटा इस तरह से रहना चाहिए और दूसरा कॉलम का डिजाइन बड़ा रहना चाहिए जिसमें इंफॉर्मेशन डालनी है, लाइक दिस। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक साइड पर याद रखना 9 कॉलम्स या 8 कॉलम्स को हम लोग मर्ज करेंगे और जो बाकी कॉलम बच जाएंगे वो 3 कॉलम्स को हम लोग इस तरफ मर्ज करवा देंगे। इन दोनों का जो सम बनना चाहिए ना हमेशा वो 12 बनना चाहिए, तभी आपकी वेबसाइट ठीक बनेगी, याद रखना ये बात। और ये जो डिजाइन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, मतलब मोबाइल के ऊपर भी काम करेंगे तब भी चलेगा, टैब के ऊपर भी काम करेंगे तब भी चलेगा। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं कोडिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए सबसे पहले मैंने बोला था कंटेनर क्लास, और कंटेनर के अंदर मैं कंटेनर के अंदर यहाँ पर एक और डिव लगा रहा हूँ, डिव क्लास इज इक्वल टू रो, और ये
इस डेव को मैंने बंद कर दिया रो क्लास को, फाइन। ये देखिए डेव क्लास इज इक्वल टू रो, और रो के अंदर मैंने बोला था कॉलम क्लास बनानी है, तो डेव क्लास इज इक्वल टू कॉलम, ओके। और इस क्लास को मैं यहां पर बंद कर दू, फाइन। अभी स्क्रीन पर हम लोग अपना जो अपलोड इन्फॉर्मेशन वाला देखेंगे पेज, इस पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो गायब हो चुकी है, और उसके अलावा नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर इसकी छोटी सी स्टाइल करने जा रहा हूँ बेटा। ये जो कोर्स है, मैं पहले बता दूँ, फिर भी ये कोर्स जो है ये BCA या BSc IIT जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए है। तो ये सपोज किया जाता है कि आपको स्टाइल वगैरह जो है थोड़ा बहुत इसका मालूम होगा, जो HTML या CSS का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक स्टाइल लगा रहा हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू, इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 pixel सॉलिड हैश 000। इस बात का मीनिंग ये रहेगा कि आपने ये जो लगाया है दिस वन, ये एक बॉर्डर लगाया है, और एक लाइन, एक बॉर्डर जो है आपके वेब पेज के ऊपर बन जाएगा। ये देखिए बेटा, एक वेब पेज के ऊपर ये बॉर्डर बन चुका है, हल्की सी लाइन है, नजर नहीं आ रही है। मैं थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ाऊंगा फिर नजर आएगी आपको, हाइट बढ़ाएंगे सॉरी। तो मैं इसी पर इसका हाइट बढ़ा देता हूं, यहां पर हाइट से 30 pixels। ये देखिए, अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये आपको दिखाई देगा। देखिए बेटा, आपको कोड नजर आ रहा होगा ये। अब यहां पर एक और क्लास हम लोग असाइन करते हैं, यहां पर मार्जिन 5, मतलब ऊपर से मुझे मार्जिन चाहिए, MY मतलब मार्जिन, Y मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, क्लियर। तो ये देखिए मार्जिन आ गया, 5 मतलब जैसे H1 H2 H3 H4 H5 टैग्स होते हैं ना, हाइडर टैग्स होते हैं, ऐसे ही बूटस्ट्रैप में क्लासेस बनी हुई है मार्जिन के लिए, ओके। तो ये मार्जिन के लिए इस तरह से हमारे पास, हमने ऊपर से मार्जिन दे दिया इसको। अब इसके अंदर हमने कोडिंग करनी है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा और यहां पर करता हूं। देखिए बेटा, ये जो कॉल क्लास लगाई ना, इसके साथ आप लार्ज डिवाइसेस के लिए LG लिख सकते हैं, मीडियम डिवाइसेस के लिए MD लिख सकते हैं, स्मॉल डिवाइसेस के लिए SM और XS, ऐसे करके ये भी मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं MD-, मुझे 6 columns को मर्ज करने वाला चाहिए, तो मैं 6 columns को मर्ज करता हूं। देखिए ध्यान से, अब मेरी क्लास कुछ इस टाइप की आपको नजर आएगा, जो पेज नजर आएगा। देखिए छोटा हो गया ये पेज, ध्यान से देखिए बेटा, लेकिन ये सेंटर में नहीं आया। तो इसको सेंटर में करने के लिए मैं यहां पर कुछ और यहां पर करता हूं। सबसे पहले मैं एक ना इसके एक और इसमें क्लास लगाता हूं, ऑफसेट की क्लास। ऑफसेट का मतलब होता है लेफ्ट साइड से ये कुछ ना कुछ मार्जिन देगा, ओके। आप सबसे पहले देखिए कि हमने इसको बीच में जो फॉर्म क्रिएट किया था वो 6 का क्रिएट किया, 6 कॉलम को मर्ज करके। तो इसका मतलब अभी भी 6 कॉलम बचते हैं, 6 में से 3 लेफ्ट साइड पे रहना चाहिए, 3 राइट साइड पे रहना चाहिए। तो मैं ऑफसेट जो इसमें लगाऊंगा वो 3 का ऑफसेट लगाऊंगा। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं इसको सेव करता हूं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए बेटा ये सेंटर में आ जाएगा इस तरह, क्लियर। आपको कुछ भी कोडिंग नहीं ज्यादा करनी पड़ रही, आप ऑटोमेटिकली देखिए सब कुछ ऐसा हो रहा है, ओके। ये देखिए सेंटर में आ चुका है, फाइन। अब इसमें एक और काम करते हैं हम लोग, इसमें बैकग्राउंड का कलर भी दे देते हैं। देखिए स्टाइलिंग भी बहुत कम हो जाएगी, बैकग्राउंड का कलर देने के लिए सिंपली आपको लिखना है PG-, प्राइमरी देना है ब्लू कलर के लिए, प्राइमरी रेड, डेंजर के लिए रेड होगा, ओके। जैसे यहां पर मैंने प्राइमरी कलर दे दिया, ब्लू कलर आ गया। बेटा अगर आप प्राइमरी की बजाय यहाँ डेंजर लिखेंगे, डेंजर रेड होता है, तो ये रेड कलर इसको मिल जाएगा, फाइन। इसी तरह से कोई भी कलर आप इसमें देना चाहते हैं, तो मैं कुछ कलर्स के नाम यहां पर लिख देता हूं जो आप यूज कर सकते हो यहां पर जो क्लासेस हैं। देखिए ध्यान से, PG-primary ये ब्लू कलर के लिए रहेगा, स्मॉल BG लिखना है, PG-success ये ग्रीन कलर के लिए रहेगा, PG-danger ये रेड के लिए रहेगा, PG-info ये डार्क ब्लू के लिए रहेगा, एंड PG-warning ये आपका
येलो या ऑरेंज कलर हम बोल सकते हैं, उसके लिए रहेगा ये. गॉट इट? तो इस तरह से हमने कलर्स भी असाइन कर दिए हैं और अब हम आगे का काम शुरू कर रहे हैं. हमारा मैक्सिमम काम कंप्लीट हो चुका है. इसमें हम पैडिंग लगा देते हैं एक और, उसके लिए पी हाइफन पैडिंग के लिए आप 3 या 4 जो भी पैडिंग लगानी है उस टेप में पैडिंग लगा सकते हैं. ये भी 5 तक की होती है, 1 to 5. ओके, ये देखिए पैडिंग लग चुकी है. अब हम आगे काम करते हैं और इसका जो हाइट था ना जो हमने लगाया हुआ, वहां पर लिखते हैं मिन हाइट, मतलब मिनिमम हाइट. हाइट की बजाय यहाँ लिखेंगे मिन हाइट. और मिनिमम हाइट मैं इसकी से 200 कर देता हूँ. तो अब देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको ये इस टाइप का कुछ नजर आए. क्लियर? ये मिनिमम हाइट है. आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. टॉपिक कोडिंग में जाते हैं हम लोग और कोडिंग को आगे कंप्लीट करते हैं. अभी कोडिंग हमने नहीं किया, अभी तो सिर्फ डिजाइनिंग पार्ट हम लोग कर रहे हैं. आपको मालूम होगा कि H1 टैग होता है, तो मैं H1 टैग लिख रहा हूँ यहाँ पर और H1 टैग को यहाँ बंद भी कर रहे हैं हम लोग. ओके, ये किया बंद और इसमें लिख रहे हैं अपलोड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन. लेट्स सी, ये देखिए कुछ इस टाइप का आपको नजर आ गया, अपलोड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन. ओके, अब यहां पर भी कुछ क्लासेस इसको असाइन कर देते हैं. इसमें क्लास सबसे पहले देते हैं जी टेक्स्ट जो है आपका वो लाइट आए. टेक्स्ट हाइफन लाइट मतलब व्हाइट. ये लीजिए इतना काम किया, अब टेक्स्ट आपका व्हाइट कलर में नजर आए. अभी ये सेंटर में नहीं आ रहा टेक्स्ट, इसको सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट सेंटर मतलब जो सोचते हो वही लिख दो. टेक्स्ट हाइफन सेंटर इतना लिखेंगे तो ये टेक्स्ट आपका सेंटर में आ चुका है. ओके, अगर आपको भी बैकग्राउंड देना है तो आप उसका बैकग्राउंड भी दे सकते हो. मैं बीजी, मैंने बोला था बैकग्राउंड के लिए होता है बीजी हाइफन, जो भी बैकग्राउंड आपको देना है, डार्क देना है या प्राइमरी देना है या सेकेंडरी, प्राइमरी देना है या सक्सेस देना है, जो भी बैकग्राउंड चाहे आप यहां पर दे सकते हैं. मैं दे रहा हूं बीजी सक्सेस. ये देखिए क्लियर, इस तरह से ये आपका जो वेब पेज है कुछ लुक आना शुरू हो गया. मैं इसको अभी सक्सेस की बजाय मैं इसको इन्फो कर देता हूँ, इन्फो, ताकि आप अपने हिसाब से जैसा भी चाहेंगे आप कर सकते हैं. नहीं, ये लाइट ज्यादा हो जाएगा, तो इन्फो की बजाय हम लोग इसको प्राइमरी दे देते हैं और साथ में पैडिंग वाला जो है इसको पैडिंग भी देनी चाहिए ना, तो पैडिंग हम इसको 4 की कर देते हैं पैडिंग. देखिए नाउ व्हाट्स बी गेटिंग. ये देखिए बेटा, ये आपका फॉर्म डिजाइन हो रहा है यहाँ. अंडरस्टूड? अब सिंपली हमारा इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्सेस लगाने रह गए हैं. वो टेक्स्ट बॉक्सेस कैसे लगाने हैं, वापस जो बूटस्ट्रैप की हमारी साइट है वहीं पे जाएंगे. कुछ ज्यादा आपको काम नहीं करना, लिखना नहीं है. यहाँ पर कंपोनेंट्स में जा करके ओके नीचे जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको इनपुट बॉक्स या कुछ फॉर्म कंट्रोल कुछ ऐसा आपको कॉम्पोनेंट दिखाई देना चाहिए. ये रहा फॉर्म कंट्रोल, ये आ गए यहाँ पर, ये फॉर्म कंट्रोल्स आ चुके हैं सारे सारे. जब आप इसको क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड पे देखिए सारे फॉर्म कंट्रोल आपके आ चुके हैं. बट ये सारे फॉर्म कंट्रोल्स ही हैं. ओके, तो जो भी फॉर्म कंट्रोल लगाने हैं वो यहां पर आप लगा सकते हो. मैं फॉर्म कंट्रोल पिक कर रहा हूं जी, जस्ट अ मिनट. या देखिए ये ईमेल आईडी का फॉर्म कंट्रोल है और टेक्स्ट एरिया का है और इसका कोड ये रहा. मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट कॉपी किया मैंने यहां से. और ये जो हमने डिव बनाई थी, ये जो डिव बनाई है इसके अंदर इसको पेस्ट करेंगे. यहाँ पर ये रेड कलर में आ रहा है, कोई मिस्टेक किया हमने यहाँ पर. ओके, यहाँ मिस्टेक किया, इसको बंद कर देते हैं. नाउ इट्स ओके. ये देखिए जो हमने वहां से कोड कॉपी किया था ना, मैं यहां पर एक छोटा सा कंटेनर बना रहा हूं. डिव क्लास is equal to double quotes में container, ये पता चल गया होगा आपको कैसे करना है इसमें. और इसको बंद किया हमने और वहां से जो कोड कॉपी किया था जस्ट पेस्ट. फाइन, इसको पेस्ट किया. ये लो बेटा, और इसको पेस्ट करने के बाद आपका लुक जो नजर आएगा आपके वेब पेज का कुछ इस टाइप का नजर आएगा. ये देखिए ये भी आ चुका है हमारे पास, टेक्स्ट बॉक्स भी आ चुका है हमारे पास. बस इनको चेंज करना है हमने, टाइटल और आपकी
जो इन्फॉर्मेशन वाला पेज है वो रेडी होने जा रहा है. क्लियर? यहाँ पर आप जो भी टाइप करेंगे वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो टाइप करेंगे वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी. लेकिन मुझे अपने हिसाब से इसका जो है कोडिंग करनी होगी. ये टेक्स्ट जो नीचे वाला एरिया है मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा. वापस चलते हैं. फाइन, देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका इतना सा पार्ट है जो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो रहा है, और जो नीचे वाला पार्ट है ये है आपका टेक्स्ट एरिया. इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हमने रिमूव कर दिया. और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है ये वाली कंट्रोल सी, इसको चेक कर लेते हैं कितनी बारी हमें चाहिए, कितनी बार इसकी रिक्वायरमेंट है हमें. हमें बेटा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे ऐड करनी है. तो वेरी इजी, कॉपी किया, एक बार ही हुआ है, 5 times इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे आपको. Control V, 3 times, 4, 5, और ये टेक्स्ट बॉक्सेस आपके वहां पर रिफ्रेश करेंगे. ये आपके टेक्स्ट बॉक्सेस बन चुके. क्लियर? आप देख सकते हो कि कितनी जल्दी ये काम हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं. ओके, अब सिर्फ हमने इसमें इंफॉर्मेशन डालनी है. एक बटन लगाते हैं पहले, क्योंकि बटन नहीं लगा अभी इसमें, तो एक बटन भी इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग. उसके लिए क्या करना होगा, नथिंग एल्स, यही वाला कोड एक बार फिर से पेस्ट कर लीजिए जो हमने कॉपी किया है. यही कोड एक बार फिर से पेस्ट कर लीजिए, लेकिन इसमें जो डिव आ रहा है ना ये नहीं आना चाहिए. इसको हम डिलीट कर देंगे और यहां पर हम एक बटन इंसर्ट करेंगे. वो भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी हम यहां से कॉपी कर सकते हैं. एंड कंट्रोल सी. ये देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जा करके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं. और यहां पर जो लिखा है इनपुट टाइप ईमेल, इसकी जगह पर लिखेंगे इनपुट टाइप बटन. यहां पर लिखेंगे बटन और आईडी इसकी लिख देते हैं सेव बटन. ओके, प्लेस होल्डर होता नहीं है इसमें, तो इसको रिमूव कर देते हैं. तो ये बटन हमने इंसर्ट कर दिया और इसको क्लास जो है फॉर्म कंट्रोल, इसमें क्लासेस जो होती है ना बटन की होती है btn hyphen primary, ऐसी क्लासेस होती हैं बूटस्ट्रैप में बटन के लिए. तो लेट्स सी. तो ये देखिए बटन आ चुका है यहाँ पर, लेकिन इसमें वैल्यू कुछ भी इंसर्ट नहीं हुई है. मैं वैल्यू इसमें डाल देता हूँ btn primary, और यहाँ पर लिखते हैं btn hyphen, हमें जो मीडियम साइज का बटन चाहिए. और प्राइमरी की बजाय मैं यहाँ पर क्योंकि इन्फॉर्मेशन सेव करनी है सक्सेस का लगा देता हूँ. इसमें वैल्यू भी डाल देते हैं. यहाँ वैल्यू क्या रहेगी इसकी, वैल्यू इज इक्वल टू सेव, बस ये मेंशन करते हैं. एंड नाउ देखिए बेटा आपका बटन भी यहाँ पर रेडी हो चुका है. देखिए ध्यान, ये बटन भी आपका रेडी. फाइन, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं. यहाँ पर मैं बटन को, क्योंकि यहाँ पर ना इन्होंने जो क्लास लगाई है, इस क्लास को हम लोग रिमूव कर देते हैं बटन के साथ और सीधा ही बटन क्लिक करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं. ये काफी बड़ा ये बटन आ रहा है हमारा. नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग. ओके, ये बटन हमारे पास आ चुका है. यस, आई थिंक देयर इज सम क्वेश्चन, नो डाउट. ओके मिकल, यहां तक हम कर चुके हैं. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हम इसमें सेव करेंगे, डालेंगे, लिखेंगे, सेव बटन क्लिक होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में जाकर के सेव हो जानी चाहिए. फाइन, और इससे पहले जो हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ये जो लिखा हुआ है लेबल्स हैं, इन सबको हम लोग ठीक करेंगे. ये लेबल्स विजिबल भी नहीं है और बहुत छोटी है इनकी, इनका जो फॉन्ट साइज है बहुत ही कम है इसका फॉन्ट साइज. ओके, तो हम इनको भी सेव करेंगे. इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग वापस जाते हैं ऊपर पेज में. देखिए यहाँ पर, और ये जो हेड सेक्शन है ना ऊपर, यहां पर हेड सेक्शन में हम लोग एक अपनी खुद की क्लास क्रिएट करें. जस्ट ए मिनट, मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूं यहां पर स्टाइल करने के लिए. सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहां पर स्टाइल. ओके, स्टाइल टैग क्रिएट करेंगे यहां. ये स्टाइल टैग क्रिएट किया, इसके अंदर क्लास लगाते हैं डॉट lbl, अपने हिसाब से कोई क्लास बनाई lbl लेबल क्लास बनाई. और इसका फॉन्ट दे देते हैं, फॉन्ट साइज दे देते हैं जी 20 pixels, और फॉन्ट वेट weight
जीएसटी फॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड मतलब ये बोल्ड फेस में नजर आएगा, ओके। और ये वाली क्लास जो है बेटा, जितने भी लेबल्स थे ना नीचे, उन सबको ये असाइन कर। देखिए यहाँ पर ये लेबल लिखा ना, देखिए लेबल फोर, ये क्लास लिखा हुआ यहाँ पर, इन सबको यही लेबल असाइन कर देते हैं। जहां पर भी लेबल है ओनली वहीं आपने असाइन करना और कहीं नहीं करना। यहां पर भी कॉपी कर देते हैं, सॉरी। ये देखिए बेटा बोल्ड हो गया, ओके। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं कि इसके ऊपर जो टेक्स्ट है ना वही लिखें जो टेक्स्ट होना चाहिए। हमारा टेक्स्ट कौन कौन सा था? हमारा पहला टेक्स्ट था जी, देख लेते हैं यहां पर, नेम, रोल नंबर, ईमेल। तो लेट्स स्टार्ट, ऊपर से शुरू करते हैं यहां से। सबसे पहला हमारा जो लेबल है वो है नेम। नेम सेकंड था हमारा रोल नंबर, थर्ड है क्लास, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है बच्चे वो था जी नेम, रोल नंबर, क्लास, नेम, रोल नंबर, ईमेल आईडी था, देन कॉन्टैक्ट नंबर, क्लास एड्रेस। ईमेल आईडी था, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, क्लास नहीं, ईमेल आईडी, ईमेल, और उसके नीचे था जी हमारा ईमेल के बाद कॉन्टैक्ट, क्लास एड्रेस, कॉन्टैक्ट, क्लास और एड्रेस, फाइन। ये इंफॉर्मेशन हम डाल चुके हैं यहां पर, तो लेट्स सी कि हमारा पेज कैसा दिखाई दे रहा है। नाउ आवर पेज इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरह से नजर आ रहा है। ये ब्लैक की बजाय ना बोल्ड में जो किया ये व्हाइट हो जाए तो ज्यादा अच्छा और नजर आएगा। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, ये जो कलर है ना लेबल का, यहां पर कर देते हैं कलर व्हाइट चाहिए, तो सिंपली हैश FFF, ये व्हाइट कलर के लिए हम यूज करते हैं, हैश FFF, एंड लेट्स सी, या दिस इज द आउट। तो ये आपका पेज अब हमारे पास रेडी है इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए, फाइन। तो अभी हमने आज की क्लास में सिर्फ ये पेज क्रिएट किया है इंफॉर्मेशन वाला, अभी ये हमारा जो है होम पेज है ये, इसको बनाएंगे हम लोग, देन इंफॉर्मेशन वाला पेज आ गया, ओके। एक मिनट, ये होम का, अपलोड का, स्टूडेंट डिटेल्स का, ये तीन पेजेस बेटा हमें और क्रिएट करने हैं डेटाबेस के साथ डील करते हुए, फाइन। तो इस क्लास में मैं अभी आपके साथ इतना ही।